नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ एआईएमआईएम महिला अध्यक्षा डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। उनके समर्थकों ने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आप सबको अपना देश में जमीन का आपको बताना पड़ेगा कि मैं देश की वासी हूँ कि नहीं हूँ। ये क्यों इस बिल का क्या मतलब है? मेरा विरोध सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से इस बिल के अंदर 6 कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया है। सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलरली एक्सक्लूड किया गया है, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है। अगर आप एक संविधान को बनाते हैं भारत में आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंगली राइट टू इक्वालिटी सब के लिए इक्वल बनना चाहिए। अगर कोई संविधान बने, कोई लॉ बने, तो सबके लिए एक जैसा बने, तो फिर इसमें हमारे मुस्लिम भाई बहनों को अलग क्यों किया जा रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? इसलिए मैं इसका मुझे लगता है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है, वरना मुझे ये बिल के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ये फिर जारी रहेगा जब तक वापस नहीं लिया जाए। जी बिल्कुल, ये विरोध बिल्कुल जारी रहेगा और मैं आज मेरे नागरिक आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ, एक हिंदू महिला होकर मैं ये चुप भी तोड़ रही हूँ। मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरे मुस्लिम भाई बहनों को ये प्रूफ देना पड़े जब आप वोट लेते वक्त पूछते हैं कि आप यहाँ के वासी हैं कि नहीं, और आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि मुस्लिम भाई बहनों को प्रूफ दीजिए कि आप इस देश के हैं कि नहीं है। ये कैसा संविधान आपका है? जब आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप संविधान के अनुसार जा ही नहीं रहे। ये तो हिटलरशाही हो गए। और ये इस जागरूकता के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं एक दिन आगे बढ़ी ताकि पूरी सोसाइटी मुझे सुन सके, शायद मेरी बात सुनने से लोगों में कुछ फर्क पड़े और लोगों को भी जानकारी हो कि उनके साथ क्या